मैं अंदर घर में थी, मेरी बहू नहाने के लिए गई हुई थी, तो मैं टीवी चलाने के लिए जाने लगी, जितने में मेरे को गेट की आवाज़ आई। गेट की आवाज़ आई तो मैंने जंगले में से देखा तो दो आदमी खड़े थे बाहर, मैं बाहर ही चली गई। बाहर जाके मैंने पूछा, भाई हाँ भैया क्या क्या बात है? बोले देवीलाल जी का मकान यही है। मैंने कहा हाँ यही है देवीलाल जी का मकान। तो क्या देवीलाल जी को बुला दो। मैंने कहा देवीलाल जी तो फैक्ट्री गए तो उनको उनसे हमारी बात करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है आप रुको, मैं फ़ोन लेके आती हूँ, मैं आपकी आप बात करवा देती हूँ। मैं फ़ोन लेने के लिए अंदर आई तो जैसे पलंग के ऊपर फ़ोन लेने लगी, जैसे पीछे से आके एक ने मेरा मुँह दबा एक हाथ से मुँह दबा लिया, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिए पीछे से, और एक मेरी बहू के कमरे में घुस गया, जिसके अलमारी के लॉक को सारा तोड़ तोड़ा के सामान सारा तहस नहस कर दिया। उसमें उसको कुछ नहीं मिला जब तक मेरे को पकड़ा रहा। फिर दूसरे कमरे में गया, मेरे जो दूसरा रूम था उसमें गया, उसके लॉक को तोड़ने लगा। फिर मेरे को पता नहीं ऐसा क्या क्या शक्ति आई मेरे अंदर या क्या हुआ, तो मैंने उससे मतलब भिड़ंत की, उसका हाथ पकड़ के काट खा गई, उसके हाथ पे काट खा के उसके हाथ को मोड़ दिया मैंने, मोड़ के कड़ उसका हाथ मुड़ गया एकदम से। हाथ मुड़ते ही वो एकदम छूट गया मेरे से, छूट गया। बंधक बनाया था? हाँ बंधक बनाया था मेरे को, लेकिन मैं छूट उसके चंगुल से छूट के बाहर निकल गई थी, भाग के एकदम बाहर गई। तो उसने मेरा एक हाथ से, एक हाथ उसका घायल हो गया था, तो दूसरे हाथ से मेरा पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो मैं मेरे मतलब दरवाजे के पास ही गिरी थी, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ, खुशबू बचाओ खुशबू बचाओ, मेरी बहू को आवाज़ लगाई। तो मेरी बहू ने आवाज़ सुन ली थी, मेरी बहू ने ऊपर से दरवाजे से देखा, मतलब जाली के दरवाजे से देखा, बाथरूम के जाली के दरवाजे से देखा, तो उसने देखा मम्मी जी नीचे गिरे हुए हैं। तो वो फटाफट बोली, आवाज़ उसने वापस आवाज़ लगा दी कि मैं आ रही हूँ, मैं कपड़े पहन के आ रही हूँ। जब तक उसने घेंस के मेरे को यहाँ पे मेरे तकिए से मुँह दबा दिया, तकिए से मैं बक में नहीं आई तो मेरे मुँह के ऊपर बैठ गया। फिर मैंने अपनी सांस छोड़ दी एकदम, फिर मैं बेहोश हो गई। कुछ क्या कैसा कपड़े पहने थे? ब्लैक उम्र के थे? ब्लैक मतलब यही कोई 32-35 के बीच में थे। ब्लैक कलर की टी शर्ट थी और नीली कलर की जींस थी, वाइट कलर की। एक दूसरे सामान उन्होंने चोरी करके ले गए? जो कुछ भी चोरी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लॉकर खुला नहीं था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। कहाँ की जगह है, क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है ये? जवाहर कॉलोनी परतपुरा। आपका नाम? सविता देवी।